जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, दिल ना जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग, ये आवाज तेज कीजिए उनका ऑक्टोपैड, उनका म्यूजिक भी तेज करिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पाकिस्तान लाहौर से हमारा शोर आ रहा है आपको, गो वन टू थ्री एंड गो। और ये उनके लिए जो मोहब्बत करते हैं, तेरी लगन में निकले और खो गए हम, आए हाय तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछ न क्या थे क्या हो गए हम, से हर दामन न छुड़ा के मौत से पहले ही मर जाते, इस जिंदगी के लिए दिल की खुशी के लिए, इस जिंदगी के लिए दिल की खुशी के लिए, सारा जमाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, सारा जमाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, ना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया। Good morning, Pakistan. Good morning, good morning, good morning, good morning. There we go. Assalamu alaikum. Aapka naam kya hai? Dua. Dua. Aapka? Malaika. Very nice. Aur ye bataiye ki aap dono aaj show dekhne aaye hain? Ji. Aapko show acha lagta? Ji. Pakka? Phir mujhe yahan par pyar karo. Tum bhi. Good. Acha, okay. Now, आप स्कूल जाते हैं? हाँ। तो आज क्यों नहीं गए? छुट्टियां हैं। ये कौन सा स्कूल है जिसकी आजकल छुट्टियां हैं? कौन सा स्कूल है? अच्छा, स्कूल में तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। कितनी मुश्किल बच्ची है यार मैथ्स। तुम्हारा? उर्दू। ओह, देयर यू गो मेरी बेटी। मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट बट इट्स ओके। नाउ टेल मी, तुम्हारा सबसे फेवरेट एक्टर कौन सा? फिल्में देखती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। टीवी तो देखती हो ना? मैं अच्छा लगता हूँ? बहुत गलत बात है बेटा, कहते हैं हाँ अच्छा लगता हूँ। अरे जी, अरे झूठ बोल दो ना, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, अच्छा लगता हूँ ना? गुड, तुम्हें अच्छा लगता हूँ? हाँ जी। इट्स ओके, आप लोगों को गाना आता है? सॉन्ग्स आते हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं आते? शाबाश, अच्छे बच्चों को सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं याद करने चाहिए। पोएम्स आती हैं? नहीं। पोएम्स भी नहीं आती, सॉन्ग्स भी नहीं, क्या आता है बेटा? ओके। अच्छा, मॉम और डैड में कौन ज्यादा अच्छा लगता है, अम्मी या अब्बू? आपको लगता है कि इनको दोनों अच्छे लगते होंगे? आपको दोनों? नहीं, कोई एक तो ज्यादा अच्छा हो तो। घर में लड़ाई होती है अम्मी अब्बा की? सही बताओ। नहीं। टॉफी दूंगा, चॉकलेट्स दूंगा, बोलो सही बताओ, सही बताओ। नहीं। बहुत पक्के हैं, सिखा के भेजा। बता बता रहे, बिल्कुल भी नहीं बताना। होती है ना? अच्छा, मैं कान में बता दो, होती है? अच्छा चले, आप लोग डांस करते हैं? सॉन्ग भी नहीं? तो तुम लोग क्या करते क्या हो? अच्छा सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? एग और ब्रेड। एग और ब्रेड? आप भी? मैं भी। आप भी?
You guys don't know how to dance. You guys don't know how to dance. तुम्हें डांस करना नहीं आता? ओके ओके तो फिर हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तुमको प्रेजेंट चाहिए, गिफ्ट चाहिए? क्योंकि मुश्किल सी बात है ना, ये लोग हर बात पे हंसते हैं. अच्छा इट्स ओके, आई रियली लाइक यू, थैंक यू सो मच. इधर उतरे, उतरे आप, इधर उतरिए. थैंक यू वेरी मच, गिव मी अ हग. थैंक यू, एंड यू टू, गिव मी अ हग. थैंक यू. हमारे पास दो फ्लावर्स हैं, प्लीज अगर फूल हैं तो लेके आइए. आप लोगों को फ्लावर्स अच्छे लगते हैं? जी. आप दोनों खुद भी तो फ्लावर्स की तरह से हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से फ्लावर्स. शादी तो नहीं हुई ना आपकी? Are you married? No? Are you married? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? No, you don't want to marry me. You don't want to marry me. मैं तो आपसे छोटा हूँ. Will you marry me, please? Malaika, will you marry me? Dua, will you marry me? Yes or no? No. Like, thank you. Thank you, Zee. Thank you, thank you, thank you. Once again, तालियां. आज का शो यही म्यूजिक रखो यार. I love this music. Good morning, Pakistan. Assalamu alaikum. And you know, शुरू का जब सुबह का आगाज होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें एनर्जी आनी चाहिए. कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपने अपने गोल्स बनाने, शॉर्ट टर्म गोल बनाने और लॉन्ग टर्म गोल बनाने. कल हमने इसकी बात की थी. मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी के अंदर स्मार्ट पे बिलीव कीजिए. स्मार्ट, SMART, लेकिन डबल टी. मैं बताऊंगा डबल टी का मतलब क्या है. डबल टी का मतलब क्या है? कल मैंने इसको स्पेसिफाई किया था कि आपका गोल जो है वो स्पेसिफाई होना चाहिए. पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में आपको करना क्या है. फिर इसके बाद आप छोटे गोल्स बनाए, फिर बड़े गोल्स बनाए, उसको अचीव करें. दूसरा गोल जो होता है वो मेजरेबल होना चाहिए. एम का मतलब है मेजरेबल, यानी आप उसे नाप सकें. नापने का मतलब क्या है? नापने का मतलब ये, फर्ज कीजिए, मैं मिसाल देता हूँ, फर्ज कीजिए और मैं जल्दी जल्दी करूंगा इसको. फर्ज कीजिए आप दुनिया के सबसे अच्छे कुक बनना चाहते हैं, दुनिया के सबसे अच्छे कुक बनना चाहते हैं. फर्ज कीजिए आप दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी से शादी करना चाहते हैं. फर्ज कीजिए आप दुनिया के सबसे मशहूर आदमी बनना चाहते हैं. फर्ज कीजिए कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कमाना चाहते हैं. फर्ज कीजिए आप दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं. व्हाट डू यू नीड टू डू? एक टाइमलाइन आप बनाइए और उस टाइमलाइन पे अपने आप को डिवाइड कर लीजिए, सालों में, महीनों में, दिनों में, घंटों में, सेकंड्स के अंदर, और उसको मेजर कीजिए. मेजर किस तरह से होगा कि क्या जो मेरा पिछला घंटा गुजरा है वो मेरे अगले घंटे से बेहतर था, या मेरा अगला घंटा मेरे पिछले घंटे से बेहतर है. इस तरह से जब आप उसको इस तरह से ऐसे एक लकीर सी बनती चली जाएगी. फर्ज कीजिए ये आपको यहाँ इस पॉइंट पे जाना है, ये पॉइंट जो है ये आपका साल का वो है. तो आपका जब ग्राफ बनेगा तो वो ऐसे बनेगा, यूं इस तरह से चढ़ता चला जाएगा. अगर ये ग्राफ बिल्कुल सीधा हो तो दैट मीन्स इट्स बैड. अगर ये ऐसे जाए तो दैट मीन्स कि आप अपनी मंजिल की तरह जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं. तो मेजरेबल होना चाहिए. एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मतलब है मेजरेबल. क्या मैंने बताया? एस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक. एम का मतलब क्या है? यू कैन मेजर योर सक्सेस, यू कैन डेफिनेटली मेजर योर सक्सेस. कल हम बात करेंगे SMA की बात करूंगा, और ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ए का मतलब ये होता है अचीवेबल, कि क्या आपका गोल रियलिस्टिक है, क्या आपका गोल अचीवेबल है, क्या आप हासिल कर सकते हैं. अब अगर मैं ये सोच लूं कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बन सकता हूं, तो मैं सोच तो सकता हूं लेकिन बन नहीं सकता. उसका रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि मुझमें सलाहियत नहीं है. रीजन ये है कि US के अंदर ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब तक आप वहां के बॉर्न ना हो तब तक आप US प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते. सो द क्वेश्चन इज कि क्या आपका गोल अचीवेबल है? अपने सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए, अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए क्या आपका गोल अचीवेबल है? इसमें हम बात करेंगे कल. लेकिन आइए अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जाने. भी प्रोग्राम ही था, लेकिन आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगती हूँ. ये बातें सही लगती हैं? ओके, वेरी नाइस. बट यू गाइस आर लवली क्राउड, यू नो. बहुत सारी तालियां अपने लिए बजाइए आप लोग. वेरी नाइस.
शो बहुत अच्छा है, जब मैं वापस आऊंगा तो बातचीत शुरू हो जाएगी, आपकी कॉल्स आ जाएंगी, आप हमें कॉल्स कीजिए। जिंदा भाग के कुछ टिकट्स हैं जो हम आपको आज देने जाएंगे, जिंदा भाग के कुछ टी शर्ट शर्ट्स हैं जो हम आपको देने जाएंगे, साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन कुछ मोबाइल्स के तोहफे हैं जो आपके लिए हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, ये म्यूजिक बजता रहे, आप लोगों ने यूं यूं करना है, ठीक है? 1 2 3 4 गो, 1 म्यूजिक बजाइए, 1 2 3 4 गो 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 गो। इससे जाहिर होता है हम अपनी ऑडियंस से कुछ भी करवा सकते हैं, पर थैंक यू ऑनेस्टली। A very good morning to you once again. Let me say hello to someone who is really beautiful. Of course, आपने उनका बहुत सारा काम देखा, hosting करती हैं, acting करती हैं, drama में आती हैं, और well, let's say hello to Zaria Salahuddin. Assalamualaikum जी, कैसी हैं Zaria? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक, once again, welcome to the show. Thank you. And a very good morning. बहुत अच्छा आपने, बिल्कुल एकदम लग रहा है हम पाकिस्तान को देख रहे हैं। अच्छा। दूर से हरा और बहुत बहुत हसीन, पीछे स्क्रीन बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा। very nice, माशाल्लाह, you look very good, very good. So आजकल हो क्या रहा है? आजकल मैं एक सीरियल कर रही हूँ। Okay. मोहब्बत एक वहम है शायद, वो जरिफ। वाह, क्या नाम है, मोहब्बत एक वहम है शायद। मोहब्बत एक वहम है, और वहम की वजह से हमारे 12-12 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वहम नहीं है, मोहब्बत बिल्कुल वहम है। और 12 से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितनी बार वहम हुआ है। जी जी जी, हमारे एक दोस्त है, उन्हें अक्सर वहम हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो उनके इतने बच्चे हैं? उनके बच्चे नहीं है। तो ये कैसा वहम है? वो सिर्फ मोहब्बत करते हैं, बच्चे नहीं करते। अच्छा। बिल्कुल बच्चे नहीं करते। अच्छा अच्छा, प्लीज बताइए। सो मोहब्बत एक वहम है, वो करें आप? जी हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ज़ुल्फ़िकार साहब से बहुत सीखने के लिए मिलता है। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और एक एक चीज वो सिखाते हैं, और जैसे आपने बोलना कैसे, डायलॉग डिलीवरी आपकी कैसी होनी चाहिए, फिर समटाइम की आपको पता है हम इंग्लिश पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम उर्दू पे इतनी तवज्जो ही नहीं दे रहे, तो उर्दू मेरी जो है ना वो ठीक कराते हैं, उसकी मुझे बहुत खुशी होती है। कि तो क्या नॉर्मली क्या ठीक करवाते हैं? उर्दू में शायरी पोएट्री पढ़ती हैं? नहीं नहीं नहीं, कि आपने उसे प्रोनाउंस कैसे करना है। अच्छा, हम तलफ्फुज आपका? जी जी, तलफ्फुज जो है ना वो ठीक करवाते हैं, शीन काफ दुरुस्त करवाते हैं। जी हाँ। आजकल तो बहुत बहुत मुश्किल से। अच्छा, इस पे मुझे याद आया, फैज साहब की मैं किताब पढ़ रहा था, तो आज फैज साहब की शायरी पे एक जो किताब लिखी गई है, सलीमा हाशमी साहिबा उसमें शामिल हैं, उसके लिखने वालों में, वो तर्जुमा है उनकी जो उर्दू नज़में और गज़लें हैं उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा है, तो वो मेरे पास आज है, वो मैं आपको बताऊंगा करीबन 10:30 बजे के करीब, मैं आपको वो बुक भी ला के दिखाऊंगा, और उसमें से एक नज़म भी मैं पढ़ना चाहूंगा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हूँ हम तुम करें रफ, आप बाद में सुनाऊंगा आपको, लेकिन दैट्स द पोएम दैट आई वॉन्ट टू रिसाइट। और आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बुक्स को वापस लेके आया जाए, बुक्स अगर नहीं आएंगी तो हमारा माशरा ठीक नहीं होगा, हम लोग बुक्स पढ़ना छोड़ चुके हैं, डोंट यू थिंक? आप अग्री नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, कौन नहीं करेगा इस पे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं बुक्स की जरूरत नहीं है, इज दैट ट्रू? बहुत जरूरी है, जरूरत है, बहुत जरूरी है। अच्छा, आप पॉलिश होते हैं, आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, आपने अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी अगर नॉलेज ही नहीं होगी, आपको बुक्स पढ़ने से यही तो आपको फायदा होता है कि आपकी आपकी अपनी जात जो है आपकी। अच्छा, सुबह सुबह के वक्त हम इतनी बेसकील बातें करेंगे, आज तक करेंगे, बट टेल मी, आप होस्टिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, क्या सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छी एक्टिंग, और आप गाती बहुत अच्छा, इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है डांस, और इससे डांस अच्छा लगता है आपको? हाँ, एक्टिंग से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, मैं करती नहीं हूँ। अरे बोलो ना, क्या है, डांस करवाए क्या? मुझे मतलब आजकल गाना कौन सा अच्छा लग रहा है आजकल? हमारे पास हमारा नेशनल एंथम है, हमारे मतलब इस शो का नेशनल एंथम। अच्छा अच्छा, मैंने समझा, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि पाक सर
बिल्कुल नहीं, शो का नेशनल एंथम है, लगवाऊं मैं क्या? जी लगवाएं। लगाइए जी, शो का नेशनल एंथम लगाइए, हमारे शो का। देख लीजिएगा कि बस कहीं ऐसा शो मिलेगा सुबह सुबह आप खाना भी बना रहे, तेरा प्यार प्यार प्यार। Anyway, wow, that's nice. तो आपको डांसिंग बहुत अच्छी लगती है? जी बहुत अच्छी। शौक है बहुत अच्छा, गाने का भी शौक है आपको? You sing as well? जी हाँ, मैं गाना भी गाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मैं मेरा ख्याल है अच्छी सिंगर से ज्यादा अच्छी लिसनर हूँ, मुझे अच्छा गाना और सुनना बहुत पसंद। हम लोग भी बहुत अच्छे लिसनर हैं। मैं आपको माइक दिलवाता हूँ, प्लीज एक मुझे माइक ला के दे दें। हम लोग इतने अच्छे आज सुबह सुबह एकदम से। अरे सुबह सुबह क्या हो गया? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइए लाइए, माइक दे दीजिएगा, माइक दे दीजिएगा वो। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, ये लीजिए ये लीजिए, इट्स ओके। सुबह सुबह कोई हमें इतना अच्छा सा राग सुनाए कि हमारी सुबह मछलियों के साथ हो जाए। इतना अच्छा नहीं, मुझे राग वाग का इतना कोई खास पता नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ। ओ दैट वी नो, कोई बात नहीं। अच्छा ये नहीं मुझे पता था। प्लीज कोई भी गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं बताऊं, गाने बताऊं? नहीं नहीं, गाना मैं गा लेती हूँ। प्यार का सागर है। थोड़ा सा भूल ना जाए, ठीक है। दिल जो न कह सका वो ही राज़े दिल, कहने की राताई। दिल जो न कह सका वो ही राज़े दिल, कहने की राताई। तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के, टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। उठा I know, सुबह सुबह मैंने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया। It's a very bad thing. नहीं, वो अचानक से हो। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तकलीफ से कैसे कोप करती हैं? थोड़ी सी जरा संजीदा बात हो जाए, कुछ ऐसी बातें हो जाए, कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे पास ऊपर से आती हैं, I don't know why. But tell me, तकलीफ से जब तकलीफ होती है तो हाउ डू यू कोप अप विद इट? जब मैं बहुत पेन में होती हूँ, बहुत टेंशन में होती हूँ, तो अपने आप को टेंशन में भी खुद ही डालती हूँ, निकालती भी खुद ही हूँ, समझने के डॉक्टर भी खुद ही हूँ। पहले पहले मैं ये बात रियलाइज नहीं करती थी और बहुत अपसेट हो जाती थी, समटाइम डीप डिप्रेशन में चले जाती थी, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ही बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं पहले अब तो न्यूज़ चैनल्स भी कम देखती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो फिर सोचती रहती हूँ और उसके बारे में उसको जैसे एक होता है ना इंसान अपने दिमाग पर उसे हावी कर लेता है, तो इस तरह से कर लेती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को ही समझाना शुरू किया, क्योंकि आप इस तरह से आपको कोई कहेगा ना कि जारिया प्लीज तुम टेंशन मत लो, तो मैं उसके कहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि मैं खुद कोशिश नहीं करूंगी उस चीज़ पे कि मुझे इस चीज़ से निकलना है, मुझे इस चीज़ से निकलना है। अगर मैं नहीं निकलूंगी, ये आपको अंदर से आपकी आवाज़ आती है, और अगर आप उस पर अमल नहीं करते और आप मजीद टेंशन लिए जाते हैं, तो फिर आपको आपको कोई डॉक्टर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकती। आपको पता है कि आजकल जैसा दौर जा रहा है, इसमें आप अगर हिसास तबीयत के मालिक हों तो ये आपके लिए एक सज़ा है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि वाकई
आजकल आपके लिए ऐसा दिल होना कि आप किसी का एहसास करें, आप रुक के उसके बारे में सोचें, उसको आप दिमाग पे ले लें, ये आपके लिए सख्त किस्म की अजियत है, मेरे लिए बहुत। इसलिए मैं बिल्कुल पत्थर दिल आदमी हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल सेंसिटिव नहीं हूँ। मैं, मुझे बहुत बुरा लगता है वो लोग जो सेंसिटिव होते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। आई एम अ वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, मुझे पैसे से मोहब्बत है, मुझे पैसे की खुशबू अच्छी लगती है। या ऑफ कोर्स, मैं सारी दुनिया को कहता हूँ पत्थर दिल हो जाओ, बिल्कुल एकदम स्टोन हार्टेड हो जाओ। अच्छा, और इसीलिए मुझे बहादुर लोग बहुत पसंद हैं, है ना? बहादुर लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं तो जहाँ फड्डा होता है वहाँ से 300 फीट दूर से गुजरता हूँ। अच्छा, एब्सोल्युटली आई एम सॉरी जी, मैं कोई बहादुर नहीं हूँ। अच्छा? बचपन में एक दफा बहुत पिटाई हुई थी, एक मूवी आई थी कॉल्ड शहनशाह, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह। तो मैं दोस्तों को अक्सर, आपको नहीं पता जी? नहीं, अमिताभ बच्चन की तो नहीं? वो अमिताभ, वो जो कौन बनेगा करोड़पति करते थे। अच्छा, उन्हीं की ना? हाँ, उनकी जी, लेकिन मैंने देखी नहीं, नाम सुना। अच्छा अच्छा, ना तो शहनशाह आई थी, शहनशाह का एक बड़ा डायलॉग था, हम जहाँ खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं मगर नाम है शहनशाह। तो मैं अपने दोस्तों को कहता फिरता था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं मगर नाम है शहनशाह। मारनी पड़ी बहुत लोग वाकई सच में मारा करते थे। अच्छा? वो बहुत मारा करते थे। तो दो तीन बार जब पिटाई हुई ना, तो मेरा अंदाजा हो गया कि यार दुनिया में बड़े बड़े ताकतवर लोग पड़े, किसी को जाके इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं मगर नाम है शहनशाह। तो बहुत बहुत पिटाई होती थी। तो आई एम अ वेरी सॉर्ट ऑफ स्केयर्ड पर्सन, मुझे बहुत खौफ आता। अच्छा, हाँ, लड़ाई झगड़ों से मुझे कभी जिंदगी में ऐसा नहीं, कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे मैं दूसरी तरफ निकल जाता हूँ। वैसे मैं इस पे बिलीव नहीं करती कि इंसान के जिस्म की जो ताकत है इससे इंसान ताकतवर होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हिम्मत जो है ना वो आपके इधर होती है, अगर आप हिम्मत आपकी। हम लोग पठान है, इधर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इधर सिर्फ हमारा दिमाग होता और बाल होते, चल हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, आज मुझे पता चल रहा है बस क्या क्या नहीं है। हाँ, हमारे पास देखे, मेरे पास दिल नहीं है, मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं स्केर्ड रहता हूँ। दैट मींस कि मैं ठीक ठाक आदमी हूँ, मेरा गुजारा बहुत अच्छा होता है। ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, टेल मी, चले वो तो मजाक की बात है, बट ऑनेस्टली टेल मी, सेंसिटिविटी आपको पसंद नहीं है या पसंद है? आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। हाँ, कुछ जगहों पे जरूरी है कि आप सेंसिटिव हों, और जिस तरह से मैं फील कर रही हूँ बाकी भी ये सब फील करें, बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि बाकी सब मोस्टली लोग इस तरह के नहीं हैं और बेहिसी पाई जाती है उनमें, तो इसलिए मेरे अकेले होने के लिए, क्योंकि मैं, मुझे कभी कभी तनहा महसूस करती हूँ अपने आप को कि मुझ तरह कोई क्यों नहीं सोचता, तो फिर ये अजियत बनती है। अजियत ये नहीं होती कि आप सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव अगर आप हैं, अगर आपके अंदर का बच्चा मर जाए तो आप। दुआ और मलाइका इधर आओ तुम, एक मिनट, दुआ और मलाइका जल्दी भाग के आओ, भाग के तुम भाग के आओ, आज तो तुम दोनों शो हो। माय गॉड, टू डू, तुमको एक फेवर करनी है मुझे, तुमको उधर भाग के जाना है। वो जो साहब बैठे ना ग्रीन शर्ट के अंदर, वो प्यारा सा, हसीन सा, हैंडसम सा रणबीर कपूर जो बैठा है, ठीक है ना? अरे तुमको बोल रहा हूँ नबील, हाँ, उससे जाके ना दो फ्लावर्स लेके आने, एक आपने इनको देना, दूसरा बीनी को देना, ठीक है? एक आपने देना, एक इन्होंने देना, ठीक है? को 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 भाग के, भाग के, इनके लिए तालियां बहुत सारी। There you go, जल्दी आइए, जल्दी आइए, पहले पहले भाग के, भाग के, पहले दुआ, पहले दुआ, पहले दुआ, पहले दुआ, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे अब ये दो उनको दे। Thank you. This is yours. Thank you. मैं सारी आज सारी जो किसी से आप लेंगे, मैं तुम दोनों से, आप उनको भी प्लीज जाके पहले 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 प्यार कर दीजिए। थैंक यू। ओके, मैं तुम दोनों से शादी नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अब मेरी, अब आप हमारी शादी नहीं हो सकती। पूछो क्यों? ये मैंने आप लोगों को दिया था, आपने मेरी मोहब्बत की निशानी वहां दे दी। लीजिए, दिस इज योर्स एंड दिस इज योर्स, गो एंड सिट प्लीज। दो और मलाइका के लिए बहुत सारी तालियां हैं। इनकी पत्तियों को संभाल के रखिएगा, ये जब भी आप कभी पीछे मुड़ के जिंदगी में देखेंगे आपको याद आएगा कि दो बहुत हसीन से, बहुत प्यारे से, बहुत खूबसूरत से बच्चे बहुत भाग भाग के आपके लिए गए थे और आपके लिए फ्लावर्स लेके आए थे। एक टेलीफोन कॉल है नायला की फ्रॉम कराची, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग साहिर भाई। गुड मॉर्निंग नायला, कैसी हैं आप? यस, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। साहिर भाई, 2 महीने लगे हैं आपको कॉल करने में। क्यों?
कब से ट्राई कर रही हूँ, आज इत्तेफाक से मिला है तो अल्लाह का शुक्र है मैं फर्स्ट कॉलर हूँ आपकी। चलिए चलिए, इट्स वेरी गुड थिंग आज मिल गया जारिया हमारे पास। जारिया जी जी, जी साहिर भाई, एक तो आप गाना इतना अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, तो मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप अपनी एल्बम तैयार करें प्लीज, हम कॉलर तो जरूर लेंगे। मैंने कोशिश की थी एल्बम तैयार करने की, जिस स्टूडियो के अंदर मैं तैयार कर रहा था ना, उसका इक्विपमेंट खराब हो गया। नहीं साहिर भाई, ऐसे नहीं हो सकता, आप सीरियसली लें इस बात को। चले, चले, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, आप यकीन करें सुबह सुबह जो आप गाना गाते हैं ना, तो नाश्ते लोगों को भूल जाते हैं। अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तारियां आई हुई है माशाल्लाह, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और आवाज भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नायला, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप अच्छा आप जिंदा भाग देखेंगी फिल्म? ट्राई करूंगी साहिर भाई, मैं ट्राई करेंगी ना। जी नहीं, मुझे प्रॉमिस करें कि आप देखने जाएंगी। अगर आप सिनेमा में देखने जाएंगी तो फिर मैं आपको उसका एक टिकट दे रहा हूँ। साहिर भाई नहीं, मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ ना उसकी मेडिकल की। अरे यार चली जाएं आप, क्या हो गया, चली जाएं। एक, एक तीन घंटे की बात है, पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट करना हमारा काम है। साहिर भाई फिर इंशाल्लाह जब फारिग हो गई, एडमिशन हो गया ना मेडिकल में, फिर जरूर देखूंगी। तो अभी ये थोड़ा मुश्किल टाइम है, स्टूडेंट हूँ ना। अच्छा चलें चलें चलें, बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू नायला के लिए, बहुत सारी तालियां और बहुत सारी बेस्ट विशेस। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। जेंटलमैन, इनके लिए तालियां इसी म्यूजिक पर बजेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अंग्रेजी की, होस्टिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, तमगा इम्तियाज मिला है, सोशल वर्क करती हैं, और एक निस्बत और है सुरैया मुल्तानिकर से कि उनकी साहबजादी हैं लेडीज जेंटलमैन राहत बानो मुल्तानिकर। बहुत सारी तालियां, ये आपके लिए। कभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। हमें थी उलझन बही अपना मन, छुए मुझे कोई पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब तुम ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब भर जाए, सांझ की दुल्हन बदन छुराए, चुपके से अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, राहत के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। ज़ारिया सलाउद्दीन, राहत सुरैया मुल्तानिकर, आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल। अच्छा ये अंग्रेजी की प्रोफेसर भी हैं और गाना भी गाती हैं, म्यूजिक भी करती हैं, तमगा इम्तियाज भी ले लिया, सोशल वर्क भी करती हैं, तो बाकी जिंदगी के काम काज कब करती हैं?
यही काम काज है मेरे, और कुछ नहीं है। और कोई काम है? और कोई काम काज नहीं है। अच्छा तो आप अपनी मदर से कितनी मुतासर है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उनके साथ कभी परफॉर्मेंस देती हैं साथ? जी बिल्कुल, देती हूँ मुख्तलिफ फंक्शंस में, बिल्कुल करती। और जब लोग कहते हैं आपसे, फरमाइश करते हैं कि उनका गाया हुआ कोई गाना, फिर मेरे लिए एक बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनका एक ही काम है ना गाना, और उन्होंने गाना भी फिर रियाजत के साथ क्लासिकल सीखा हुआ है, तो वो तो ख्याल अस्ताई की माहिर है, तो फिर मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उन जैसा कैसे गा सकते हैं, क्योंकि बच्चे कभी पेरेंट्स से ऐसे नहीं हो सकते। हाँ नहीं, दिस इज वेरी वेरी ट्रू, लेकिन लेकिन बहुत वेल, वी हैव टू पुट वेरी मच एफर्ट, और म्यूजिक नीड्स फुल टाइम, यू हैव टू वर्क वेरी लेबोरियसली, और बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। तो आप सीखती हैं, खुद सीखती हैं? जी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जब मुझे जॉब से फुर्सत मिलती है तो कोशिश होती है कि फिर म्यूजिक किया जाए। तो खाना शाना बनाती हैं आप या नहीं? बहुत कम, बहुत कम। आजकल मैं जितनी खवातीन से मिल रहा हूँ उनका सबका एक ही जवाब होता है, बहुत कम खाना वाना, बहुत कम बनाते हैं। एक्चुअली ये हुआ ना कि मेरे तो घर में फैमिली सारी बनाती है, उसके बाद फिर कि आजकल मेड्स भी हैं, कुक्स भी होते हैं, तो फिर और जो बाहर इतना काम करेगा, खाना भी तो फुल टाइम मांगता है, आपको पता है। ये तो नहीं कि ये जो आपके कुकिंग शोज में हाफ कुक खाना बना के आप रख लें घरों में, तो पूरा क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको पता है। वो तो 2-3 घंटे लगते हैं अच्छा खाना बनाने के लिए। नहीं नहीं, आप मेरे हाथ का खाइए, 10 मिनट में बन जाता है। आप तो सारे काम ही 10 मिनट में कर लेते। किशोर जी का गाना भी गा दिया, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, थैंक यू भाई, थैंक यू। मुकेश साहब का नहीं जी, किशोर साहब का। मुकेश साहब, मुकेश साहब, द फिल्म इज कॉल्ड आनंद। अच्छा अच्छा, बट जो भी जिसका भी गाना है, लेकिन लेकिन आई ऑनेस्टली बिलीव कि वो लोग जो गाने को बहुत सीरियसली लेते हैं, जैसे कि और आप, आपको मुकाबला तो बहुत करना पड़ता होगा, बिकॉज जब भी लोग आपको सुनते हैं तो आपको कंपेयर करते होंगे सुरैया जी से। वो हमेशा होता है कि जब भी आप, इवन अगर आपके बच्चे होंगे तो अगर वो कंपेयरिंग में आएंगे, तो पहला ये होता है कि जी माँ बहुत अच्छा गाती है, ऑब्वियसली, क्योंकि उनका एक ही काम है, और उन्होंने रियाजत की इतना सीखा और बड़े बड़े उस्तादों से सीखा और एक ही काम किया और उसको बकायदा पूरी जिंदगी में कंटिन्यू किया माशाल्लाह। तो हमें फिर उन्होंने पढ़ाई की तरफ लगा दिया, अगर ना मैं पढ़ती और मैं भी ऐसे ही जैसे कहते हैं 5 घंटे सुबह 5 घंटे शाम की रियाजत करती, तो ऑब्वियसली वुड हैव बिकम मच बेटर। बट ये तो जितनी आप एफर्ट पुट करेंगे वो रिजल्ट्स तो सामने आते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट? डू यू लाइक सिंगिंग गजल्स? सिंगिंग गजल्स, लाइट म्यूजिक, गजल्स लाइट, हल्ला गुला शोर शराबा नहीं पसंद। अच्छा, मतलब बहुत मेलोडियस मीठा गाना पसंद है, जैसे अभी आपने ये गाया तो आके मैं थोड़ी सी फ्रेश हो गई। अच्छा अच्छा, टेल मी, आपकी, आपके लिए गजल की इंस्पिरेशन कौन है? गजल में इंस्पिरेशन कौन है? गजल में इंस्पिरेशन, देखिए पाकिस्तान में तो फरीदा खानम साहिबा जैसी गजल कोई नहीं गाता। अगर आप मेल्स में बात करें तो मेहदी हसन साहब का जवाब नहीं, जो हमने सुना आपने, उससे भी बड़े बड़े लोग, खासा बरकत अली खान साहब है, वो है। इंडिया की तरफ आप जाएं तो वहाँ गजल कंपैरेटिवली थोड़ी हमारे से काम होती है, लेकिन ये कि वहाँ भी फिर जगजीत साहब मॉडर्न गजल को इंट्रोड्यूस कराया, गुलाम अली साहब का स्टाइल जो है दैट इज़ अ यूनिक वन। तो जब आप अपने बड़ों को सुनते, मेरे लिए तो इंस्पिरेशन मेरे अपने बड़े फनकार हैं जो पाकिस्तान के। अच्छा, पर्टिकुलरली जब हम फरीदा खानम की बात करते हैं तो उसमें गजल मुझे बहुत पसंद है, अथन नफी सिद्दीकी की वो गजल है, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, कुछ याद है थोड़ा? वो आपने भी ट्राई की हुई है? नहीं, मैंने बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नहीं गाई। नहीं, मैंने कहा प्लीज वो ना ट्राई कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं गाई। मैं अथन नफीस को इसलिए पसंद करता हूँ बिकॉज वो जो बात कहते थे ना उसमें बड़ा दम होता था। एक जगह कहने लगे, कभी उसको सफेद दुश्मना में देखो तुम, उसे याद दिलाना कि मेरा यार था वो। वाह वाह, कमाल। अच्छा, ये याद है कुछ, थोड़ा सा याद है वो इश्क जो हमसे रूठ गया? बिल्कुल याद है, और मास्टर मंजूर साहब ने इसकी कंपोजिशन। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज, मास्टर मंजूर साहब ने इसकी कंपोजिशन की। ओ, और एक्सक्यूज मी, वो इश्क जो हम से रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या। I'm not afraid.
जिसमें ही सारा जलता हो, तेरे दामन दिल को बचाए क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे लौट गया। वो हिजर जो हमको लाहक है, तादेर उसे दोहराएं क्या, वो जहर जो दिल में उतार लिया, अब उसके नाज उठाएं क्या, वाह वाह, कोई महरल नहीं कोई कहरल नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। क्या बात थी और क्या लोग थे और किस तरह से गाया करते थे और क्या कॉम्पोजिशंस थी, और आई थिंक हम लोगों ने जो कुछ तो वहाँ कंपोजर का नाम भी ज़रूर लेना चाहिए, जैसे आपने अपने नफीस साहब का नाम लिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिस्ट पे पॉपुलर होता है, हमारे जो राइटर्स हैं या पोइट्स हैं या जो कंपोजिशंस करते हैं, मतलब मास्टर मंजूर साहब की एक सादा सी गज़ल है, फरीदा खानम साहिबा फरमाती हैं कि मैंने जब मुझे ये दी गई तो मैंने कहा भाई ये नहीं गानी, मतलब मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, बड़ी सादा लगी, लेकिन ये उनकी सबसे मकबूल हुई जो आम आवाम में भी और हम लोगों को भी दिलों को छू जाने वाली है, एक अजीम किस्म की जो गज़ल यहाँ बनी, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस। अच्छा, और हमारे शोरा जो हैं वो बहुत कमाल हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि चूंकि आजकल किताबों का रिवाज जरा कम हो गया है, हमारे बच्चे जरा कम पढ़ते हैं कम लिखते हैं, आजकल शेर भी अजीब हो गए हैं, फराज लाइट आ गई फराज लाइट चली गई, ये वाले शेर हो गए ना, SMS पे आते हैं, फराज लाइट आ गई फराज लाइट चली, कल मैंने जंगल में एक शेर को देखा था, हाँ अशार हो गए, लेकिन अगर आप लोग कभी पढ़ें तो सलीम कौसर को पढ़िएगा, वो बहुत अच्छे शायर हैं, मैं ख्याल हूं किसी और का, इसके अलावा भी उनकी, एक नहीं, ये इनकी बहुत पॉपुलर है, ही इज नोन फॉर दिस पर्टिकुलर, उनकी उनकी एक नज्म है, इट्स कॉल्ड दुकाने गिरिया, और इस पे हम ब्रेक ले लेंगे, दुकाने गिरिया में, और मैं पूरी नज्म नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी सी बात करता हूँ, दुकाने गिरिया में वो कहते हैं, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको, अच्छा दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजे, जिंदगी शेर नहीं है कि सुनाए तुझको, ये कोई फिल्म नहीं है कि दिखाए तुझको, जख्म हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दे, तूने पूछा है मगर कैसे बताए तुझको, चाक एक बार चाक हो जाए जो एक बार हविस के हाथों, जामा इश्क दोबारा तो नहीं सिलता है, आसमां मेरी जमीनों पे झुका है लेकिन बस तेरा और मेरा सितारा ही नहीं मिलता है, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजे, ये कोई फिल्म नहीं है कि दिखाएं तुझको, जिंदगी ख्वाब नहीं है कि सुनाएं तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, गुड मॉर्निंग। आपको भी ये गाना गाना चाहिए, गाना चाहिए, मुझ पे तो सूट करता है, जाओ कहाँ
नहीं नहीं ऐसा क्या है, अभी तो यंग है आप, बिल्कुल आप कहीं भी जा सकती हैं। अच्छा? आप जहाँ जाएंगे हम सब आपके पीछे आएंगे, don't worry about it, inshallah ta'ala, everything is going to be fine. So in the morning आप hope का मैसेज दे रहे हैं। Of course, of course. Hope was my first girlfriend, very first important girlfriend. Seriously, her name was Hope. अभी बताता हूँ Hope का किस्सा, बताता हूँ पहले मैं लोगों को बता दूँ। Hope is just, it's a, she's in my heart. She always stays there. तो आपने शीर कर दिया, तो फिर he's in my heart actually Hope. ओक फर्नीचर जनाब यहाँ पर मेरे पास इनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। ये जो आप फर्नीचर देख रहे हैं खूबसूरत सा हसीन फर्नीचर, इट्स प्रोवाइडेड बाय ओक फर्नीचर्स, एंड ऑफ कोर्स अहमद बिलाल साहब इसके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, और इफ्फत रूह जो है वो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। बहुत अरे इफ्फत, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? अहमद कैसे? अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक आप हैं? यार तुम जैसे बैठे हो ना लग रहा है तुम्हारे फर्नीचर एकदम। हाँ बताइए, पूरी चेयर पे कब्जा किया हुआ है, बट दिस इज नाइस दो, ब्यूटीफुल फर्नीचर, और बहुत सारे लोगों ने पूछा है हमसे आपके फर्नीचर के बारे में, इट्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। अब आपको विजिट करना है? मुझे विजिट करना और साथ में मुझे अपने घर लेके जाने हैं सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, यू गाइस हैव टू गिव इट टू मी फॉर फ्री। शायद ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ। अच्छा, अभी आपने देखा नहीं ना, अभी तो ये तो स्टार्ट है ना। बट दिस इज ब्यूटीफुल दो, वेरी नाइस। पेंट इज ऑलवेज माय पैशन, और प्लस ये कि आपने जो इसको एक ट्रेडिशनल टच दिया है, हैंड पेंटिंग का, दैट्स अमेजिंग। मैं जब इनके शो को वैसे रात को देखते हैं हम लोग बैठ के, तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि इतना खूबसूरत फर्नीचर, इतना साफ सुथरा, नीट क्लीन, कोई इसमें वो नहीं, बहुत ज्यादा टू मच नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल, बिलीव मी। थैंक यू, प्लेयर मीटिंग देम, थैंक यू वेरी मच। इन लोगों का काम है वेरी क्रिएटिव, ब्यूटीफुल, लवली, थैंक यू वेरी क्रिएटिव। आज कोई एक खुशनसीब होगा वहां पे जिसको आप एक कॉफी टेबल देंगे अपनी तरफ से। प्लीज मुझे, प्लीज मुझे नहीं, मुझे कॉलर्स होंगे हमारे, हम दे सकते हैं ना कॉफी टेबल, तो दे सकते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा जनाब, आप हमें कॉल कीजिए अगर आपको कॉफी टेबल जीतनी है ओक फर्नीचर के, पूरे पाकिस्तान से कहीं भी, वी कैन शिप इट, वी कैन शिप इट, राइट? ओके, कोई मसला तो नहीं, ये तो मैं बताया नहीं था ना उन लोगों ने कि मैं ये करूंगा। हां बिल्कुल नहीं, लेकिन शायर मैं शोर छोड़ के जा रही हूं, मैं बाद से कॉल कर लूंगी। अच्छा, वो टॉकिंग अबाउट फर्नीचर, इसके सिलसिले में बात तो होती रही, बट लेट्स टॉक टू यू गाइस एंड सी, आप लोगों की मॉर्निंग जो होती है सुबह सुबह वो कैसे होती है, कितनी ब्राइट होती है? आप सुबह कितने बजे उठती हैं? मैं, मेरी सुबह बहुत जल्दी होती है। बहुत जल्दी जी, 7 o'clock जी, क्योंकि okay. मुझे फैक्ट्री पहुंचना होता है, 8 बजे फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है, बट ऑब्वियसली निकलते हुए घर से और सारा कुछ, लाइक 10 to 11 10 to 11 ऑफिस, या आपकी सुबह होती है? मेरी सुबह होती है। आपकी सुबह होती है तो व्हेन डू यू गो टू द फैक्ट्री एंड ऑल? 11 o'clock जी, मैं 9 या 10 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ। 9-10 बजे जल्दी नहीं होता? यार बहुत लेट हो जाता है 9-10 बजे। आप बस आप लोग चेक कीजिए क्या कह रही है, मैं सुबह जल्दी सोती हूँ, रात नहीं, रात को जल्दी सोती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 9-10 बजे उठ जाती हूँ। जैसे आज आपके शो के लिए आना था तो फिर भी जल्दी उठे, वरना आराम से, वरना आराम से, वरना लाइक 9:30-10 I try. जब मेरी नींद पूरी हो जाए तो फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर I don't sleep till, मगर रोजों में रमजान में आजकल रूटीन बहुत ज्यादा हम लोगों की, रात को जागना और दिन में सोना, और दिन के अंदर सोना होता है आफ्टर नमाज कुरान के बाद। आप रात को, रात को आप कितने बजे सोती हैं? मैं रात को भी लेट सोती हूँ, 12 o'clock 1 बजे 12 is not that late. हाँ, but हमारे टाइम के लिहाज से कि सुबह जल्दी उठना है और फिर टाइम पे काम पे पहुँचना है, तो 3 to 4 जैसे अब म्यूजिक के प्रोग्राम्स हैं, सुबह 4 भी बज जाती है, मैंने घर पे हूँ तो कोशिश होती है कि अम्मी की बहुत है कि अम्मी 10 बजे से कहना शुरू हो जाती है, भाई सो जाओ, सम्पो वो समो 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 सराइकी में, कि सब कमरों में अम्मी ने जाना है, बस सो जाओ। तो अच्छा, सराइकी में क्या कहते हैं उसको? समो समो, मैं सो जाओ, सो जाओ, बच्चों का, हम सबको वो कहती okay, है okay, so she just treats us like a child, तो मैं सोती भी उनके कमरे में उनके साथ, तो फिर मुझे ये होता है कि बस अब आ जाओ बार बार, फिर कोशिश होती है कि 12 तक उनके साथ चली। आप हमको थोड़ी सराइकी सिखाएं सबको, आपको बोली जाती है सराइकी? आपको मेरी शक्ल से लगता है
क्या मतलब है शक्ल से? ये तो पाकिस्तान की खूबसूरत जबान है, जितने भी आए वो उतना आपका इंटेलिजेंस और आपका आईक्यू शो करे। आपको आती है? नहीं सर, आईक्यू नहीं आती। आज कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं लेकिन समझ सारे को आंदी होती, समझ तो सारे को समझ आती है, समझ आप सराय की गीत भी सुने सा जल्दी समझो अपना तो दसो अपना तो बताए जी। मैं सिरायकी में सोच रहा था आपको क्या बोलूं। नहीं आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं हमसे तो पूछ लिया आपने। अच्छा मैं रात को सोता हूँ तकरीबन 4-4:30 बजे। ये रात नहीं होती, ये सुबह होती है। हाँ सुबह 4:30-5 बजे तक सोता हूँ। सवेर आते हैं सर जी, 4 से 5 इको सवेर आते जी। हाँ ओके। उठते केड़े वेले हो? 6:30-7 मैक्सिमम। दो घंटे से ज्यादा सो नहीं सकता, बिकॉज अगर मैं उससे ज्यादा सो जाऊँ तो तबियत खराब होने लगती है। I am. और रात को बैठ के मुझे पढ़ना होता है, मेरी सारा जो स्टडी का काम होता है वो रात ही को होता है। क्रिएटिव होता है ना बंदा बहुत ज्यादा, आईपैड से लेकर किताबें तक वो रात ही को पढ़ता हूँ मैं। मुल्तान से आसमा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम आसमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आसमा जुल्फिकार, हाउ आर यू, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, अब तो अल्लाह ने बहुत करम किया है, बेहतरी है। चलिए दैट्स दैट्स वेरी नाइस। हमारे साथ इतने बहुत सारे हसीन लोग बैठे, प्लीज बताइए क्या कहेंगी आप? जी जी, मैं देख रही थी आपका शो, बहुत अच्छा है, राहत आई हुई है। वो तो हमारे शहर की है। शुक्रिया। और उनकी मदर की तो मैं बचपन से फैन हूँ। और जारिया है, ओक फर्नीचर है, ये तो मैं तारीफ कर नहीं सकती इसकी, मतलब बयान नहीं कर सकती, बहुत अच्छा फर्नीचर है और मेरे पास भी घर में है। थैंक यू वेरी मच। रंका चिनियोटी फर्नीचर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है और इसमें दो के इसमें सफाई बड़ी डिफिकल्ट होती है लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लगता है। सफाई डिफिकल्ट तो नहीं होती, मैं तो रोज साफ करता हूँ। नहीं नहीं साहिब, जो इसकी सुराख बने हुए होते हैं ना बहुत ज्यादा, ये कार्विंग जो होती है और ये चीज, इसकी जरा सफाई ना डिफिकल्ट होती है। अच्छा अच्छा ओके जी। लेकिन फिर भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अच्छा आपको सिलाई आती है? मैं एग्जैक्टली अभी यही कहने वाली थी कि सरायकी मेरी बहुत वीक है, लेकिन मैं राहत से ये फरमाइश करने लगी थी कि सरायकी में कोई सॉन्ग सुनाए। राहत से मैं मिली हुई हूँ, ये बीकन हाउस में पढ़ाती थी तो मेरी बहुत पहले इनसे मुलाकात हुई थी, शायद इनको याद नहीं होगा। नहीं मैंने बीकन हाउस में कभी नहीं पढ़ाया, मेरे मास्टर्स का डायरेक्टली कॉलेज में पढ़ाया मेरी बहने, और वैसे मुलाकात होगी, मैं जाती बहुत थी जरूर। हाँ क्योंकि मैं एक फंक्शन मैंने अटेंड किया था। जी मैं जाती रही हूँ। जी बिल्कुल जी जी मुल्तान में। तो आप राहत से, आप राहत से कुछ सरायकी में बोलिए। दूसरा सरायकी बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। क्यों मुल्तान में आए हो? की हाल है? मेरा हाल अल्लाह दा बड़ा करम है। तू सर ठीक लगती बैठी है, सवेरे उठ के आवना औखा आई बड़ा, बस जरा अपने आप को चंगा करके ते सेट ते आ बैठे, ठीक फ्रेश लगती पई है। बस इसके आगे मैं उर्दू में ही बोलूंगी क्योंकि आपके फ्रेश लगी बहुत लकी हैं और बहुत अच्छे आपके जो होस्ट है ना वो बहुत अच्छे हैं। साहिर एक बात कहना चाहूंगी, ये जो आपका नया स्लॉट शुरू हुआ है ना आफ्टर ईद, ये बहुत अच्छे आपके शोज जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपका फर्नीचर, आपका सेट, आपकी टीम, आपके गेस्ट, आपकी टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, कन्वर्सेशन एंड यू। वेरी गुड, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस भी, तुम लोग मेरे लिए तालियां नहीं बजा सकते ना? और प्लीज ऑडियंस से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एक क्लैप आप सिर्फ साहिर के लिए बजाएं। नहीं नहीं वो बजाएं उन्होंने, और आप सबकी, मैं आप लोगों के लिए बजा रहा हूँ। वेरी नाइस अस्मा, थैंक यू। मुल्तान कब आएंगे शो करने आप टीवी का? मुल्तान इंशाल्लाह ताला, बस जब ये लोग मुझे ले आएंगे मैं आ जाऊंगा, क्योंकि अशीम इज राइट नाउ वाचिंग यू एंड आस्किंग ना। अच्छा अशीम को मेरी तरफ से हेलो। अशीम अस्सलाम वालेकुम अशीम, और अशीम जो इनकी बेटी है, तो अशीम थैंक यू सो मच। अशीम का मतलब पूछ लीजिए। अशीम का मतलब क्या होता है? न्यू मून। न्यू मून जी, नया चांद मुझे देख रहा है। माशाल्लाह अशीम जो है वो पर्शियन है ना? नो नो ग्रीक वर्ड। ग्रीक ग्रीक, वाओ। वालिद ने रखा था। अच्छा तो वालिद तो मेरे जाहिर है कि रिसर्च स्कॉलर थे उनके, माशाल्लाह से 15-16 बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं, तो ग्रीक माइथोलॉजी में उनकी ना रिसर्च है। अच्छा चलिए, तो बहुत उन्होंने इसको बहुत नाम रखा था अशीम, जबा नाम है इसका, जबा सबा
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आशीम, अस्मा बहुत बहुत शुक्रिया. आई वांट टू से हेलो टू सतीश अनिजा हु इज वाचिंग मी इन चंडीगढ़, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग मी इन चंडीगढ़ राइट नाउ. और सतीश ने मुझसे कहा है कि सार भाई मेरे को हेलो बोलना, तो मैं आपको हेलो बोलना, थोड़ा की हाल चाल है, तुम ठीक ठाक हो सतीश पाजी, जब भी तो पाओ. या सतीश अनिजा इज वॉचिंग मी इन चंडीगढ़, और ये हिंदुस्तान के लिए मैं तालियां बजवा रहा हूँ. रीजन इज बिकॉज हमारी बॉर्डर्स पर टेंशन नहीं होनी चाहिए. तालियां. All my Indian friends, मैं उनके सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, हम इसी तरह से आपको सपोर्ट करते रहें. खुदा का वास्ता आइए इन पॉलिटिशियंस को बताएं कि हमारी सरहद पर जंग नहीं होनी चाहिए, हमारे फौजी इधर के हों या उधर के हों नहीं मरने चाहिए, हर माँ को उसका बेटा वापस मिलना चाहिए. हमारे यहाँ अगर जंग होनी चाहिए तो दोनों मुल्कों में गुर्बत के खिलाफ होनी चाहिए, अगर जंग होनी चाहिए तो असबियत के खिलाफ होनी चाहिए दोनों मुल्कों में, अगर जंग होनी चाहिए तो लसानियत के खिलाफ होनी चाहिए, करप्शन के खिलाफ होनी चाहिए, बदअमनी के खिलाफ होनी चाहिए, टारगेट किलिंग के खिलाफ होनी चाहिए, टेररिज्म के खिलाफ होनी चाहिए, और दोनों मुल्कों में होनी चाहिए. आइए मिल के साथ काम करते हैं यार, हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत हर जिंदाबाद. छोटे से ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, विल बी राइट बैक. बहुत शुक्रिया, वंस अगेन वेलकम बैक. एंड ऑफ कोर्स मैं इतने सारे बहुत सारे हसीन मेहमानों के साथ बैठा हूं, और कुछ इफ्फत कहना चाहती थी फरनिश के बारे में, प्लीज. मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे अभी अस्मा की कॉल आई थी तो उन्होंने ये कहा कि चनियोटी फर्नीचर को साफ करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली चनियोटी फर्नीचर, दिस इज पीरियड फर्नीचर. ये हमारा डिफरेंट पीरियड से जो रिलेट करता है, जैसे फ्रेंच पीरियड है और विक्टोरियन है, विक्टोरियन है, आर्ट डेको है, इस तरह ये डिफरेंट पीरियड्स को जो है रिलेट करता है, वो हम बना रहे हैं. मतलब वो मेरा काम है जो कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा है. और चनियोट में तो एक्चुअली वो एक बन गया कि वहाँ पर लोग कुछ इकट्ठे हो गए और उन्होंने कार्विंग्स और इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी, तो वो अब आम लोगों को यही पता होता है कि ये दिस इज चनियोटी फर्नीचर, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली चनियोटी फर्नीचर, दिस इज पीरियड फर्नीचर जो कि डिफरेंट पुराने पीरियड को, फ्रेंच को और ब्रिटिश को और डिफरेंट चीज़ों को रिलेट करता है. और इसकी जो कार्विंग्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये हम मतलब टाइम के साथ साथ अडॉप्टेड फर्नीचर बन जाते हैं, जो कि मैं क्लाइंट के मतलब चॉइस के मुताबिक या फिर अपनी कलर स्कीम्स, अपनी एनवायरनमेंट को देखते हुए इस तरह से फिर हम लोग उसको जो है अडॉप्ट कर लेते हैं. बट इट्स ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत है. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा. या बहुत अच्छा. यू लाइक इट? आर यू इनटू हाउस एंड ऑल दैट? मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये घर की इंटीरियर में बहुत इंटरेस्ट है. yeah. और अच्छी चीजें अपनी तरफ खींचती हैं मुझे, बहुत अच्छा. इसमें स्पेशली जो इस पे ये कार्ड हैंड पेंट किया, हैंड पेंट किया, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा. कभी खुद कोशिश की पेंट करने की? नहीं, बिल्कुल नहीं. यू डोंट पेंट? नहीं, अच्छी नहीं है पेंटिंग मेरी. अच्छा, बट यू होस्ट तो? लेकिन मेरे शौक भी नहीं है. शौक भी नहीं पेंटिंग का? अच्छा, आपने कभी किया? इन माय चाइल्डहुड जी. अब मैं पहले जब स्कूल जाने से पहले आर्ट्स काउंसिल अम्मी ने मुझे भेज दिया, तो आई यूज टू जस्ट ड्रॉ स्केचेस वगैरह कुछ बना लेती थी. फिर स्कूल जमाने, फिर प्रैक्टिकल तक कॉपीज बड़ी अच्छी बना लेती थी, फिर बाद में फिर इतना टाइम नहीं मिलता. बल्कि मुल्तान में तो ये आपका क्राफ्ट है ना, एक जो जी वो कैमल स्किन पे जो absolutely. वो तो आपको तो बल्कि होना चाहिए. ये वही चीज का नहीं, लेकिन टाइम चाहिए. हाँ जी, ये तो टाइम चाहिए, बट आपको समझ है इसकी. exactly. इसीलिए ये आपको मतलब एक अट्रैक्ट भी कर रहा है. मुल्तान खुद बहुत रिच जी, मुल्तान बिल्कुल. मैं आपको एक एडवाइस करूंगी कि ब्लू पॉटरी की चीजें भी ले आए, कि उसके फर्नीचर के अंदर फिक्स होने चाहिए पीसेस, तो एक आपका कल्चरल जो है रिप्रेजेंटेशन. वो भी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, वो टाइल वर्क एंड मोज़ेक उस तरह का भी है. आप आए ना ओक पे, विजिट करें आप हमारे शोरूम पे. श्योर, इंशाल्लाह भाई. अगर आप लाहौर आते हैं तो आप ओक सिर्फ लाहौर में, इसके अलावा भी ओक भी इनिशियली लाहौर में है, बट इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड इन इस्लामाबाद. ओके, सुन, बट फिलहाल इट्स लोकेटेड इन बैंक स्क्वायर मॉडल टाउन. ओके, बैंक स्क्वायर मॉडल टाउन के ऑपोजिट, इट्स वाइट बिल्डिंग ऑपोजिट बैंक स्क्वायर मॉडल टाउन. भाई अगर आप लाहौर आ रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने ओक फर्नीचर जाना है, और वहां जाकर एम से मिलना है, इफ्फत से मिलना है, देयर गोइंग टू बी देयर. और आपको कुछ भी अगर कोई भी हमसे हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको इनका एड्रेस दे सकते हैं, इनका फ़ोन नंबर दे सकते हैं. और आज कोई एक ऐसा लकी कॉलर होगा जिसको मैं एक कॉफ़ी टेबल देने वाले, एक कॉफ़ी टेबल जाने वाली है, और वो यहाँ वाली कॉफ़ी टेबल नहीं है, ये लोग प्रोवाइड करेंगे. कहाँ है?
आई डोंट नो, वो इनके पास ही होगी, इनके पास ही होगी, लेकिन आप प्रोवाइड करेंगे और जहां भी पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी हमको कॉल कर सकते हैं. सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने पर, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने पर हम आपको ये कॉफी टेबल देने जा रहे हैं. So I don't know what's going to happen. I think जो interesting मुझे लगेगा. जो आपको obviously आप दोनों का जो बहुत interesting question लगेगा उस पे आप लोग एक coffee table बिल्कुल दे सकते हैं. अच्छा मैं आपसे request करूँगा, जब बात गजल की आई थी तो गजल हमने कही थी, अब इस वक्त आप क्या सुनाएंगे? मैं आपको सराइकी का एक अपना पुराना ही गाना है, ट्रेडिशनल जो हमारे कल्चरल सॉन्ग्स हैं जो सदियों से जिंदा है, मुख्तलिफ लोगों ने उसको गाया, मैंने उसको नए जमाने के हिसाब से लाइट सा उसको रिमिक्स किया. इधर बैठ के सुना दूँ या इधर सुनाऊँ? आप बैठ के सुना सकती हैं, खड़े होकर सुना सकती हैं. नहीं, ये तो मैं रखती थी, शुक्रिया. नहीं, नो प्रॉब्लम. आप लोगों को म्यूजिक का शौक है ना? बहुत ज्यादा. पक्का? जी. आप गाती हैं खुद? नहीं, गाती नहीं हूँ, बट मैं आपको जो पुराने गाने आपने रिवाइव किए वो मैं बहुत शौक से सुनती थी.
और अहमद को एक गाना याद आ गया था. हम लोग ब्रेक के दौरान अक्सर गाने गाते रहते, तो अहमद को एक गाना याद आ गया था. आई थिंक द फिल्म वाज यस बॉस. यस यस बॉस का गाना था. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, तो अहमद थोड़ा सा गाना गाना चाहते हैं, प्लीज जरा सुनाइएगा. विद द कंपनी ऑफ साहिर. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. आई एम सिंगिंग विद यू. वी ऑल आर सिंगिंग विद यू एंड यू ऑल आर सिंगिंग विद अस, राइट? ओके, हियर वी गो. थोड़ा जोर से यस. देयर यू गो. गुड, यू स्टार्ट. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरजू जगाऊं अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं के पलकें बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो. कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, या फिर सुनोगी क्या मेरी जुबानी, तुम एक परी की दास्तां, या मैं करूं तुमसे बयां के राजा से रानी मिले थे कहानियों के नगर में, तुम्हें लेके जाऊं अगर तुम कहो. I think सब जज्बे की बात होती है. अच्छा, गाया किसके लिए? सही से बताना. आपके लिए. आप मुझे किसी बाग में नहीं लेके जा सकते और आप मुझे पॉसिबली नहीं बता सकते कि मुझसे कोई रानी कहाँ मिली. डिप्लोमेटिक आंसर दिया है आपके लिए. डिपेंडिंग अपॉन, आपको कहानियां सुना सकता हूँ. कहानियां आप बिल्कुल सुना सकते हैं, कहानियां आप बिल्कुल सुना सकते हैं. बट टेल मी, मोहब्बत की आपने कभी? ये देखिए. हाँ, तो क्या हुआ? इतनी अफसरदगी की क्या बात है? नहीं, क्लाइमेक्स अभी आया नहीं. क्लाइमेक्स अभी आया नहीं. शादी हो चुकी है? अभी आने वाले. मुबारक हो, मुबारक हो. अभी शादी नहीं हुई है. अच्छा, अभी नहीं. ये इतना इतना खुशबाश आदमी आपको नजर आया है, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है. तो लेकिन शादी अच्छी चीज है. बिल्कुल. अगर ऑब्वियसली पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर किसी और की हो. अगर किसी और की. अपनी शादी नहीं होनी चाहिए. एनीवे, कमिंग बैक टू यू, जब आप अपनी मदर के साथ होती हैं तो कैसा रिलेशनशिप कैसा है? Are you very friendly with her? जी. She's your friend, mentor, क्या है? नहीं, she is more of a mentor, but she's very strict for us. She guides us. हाँ जी, अभी तक कि जिन्हें पॉलिश नहीं लगानी, बाल नहीं कटवाने. तुम्हें चाहिए था कि बाल बंद होते. अब शाम को अगर मेरी बात होगी उनसे मुल्तान, तो कहेंगी बाल बंधे हो. मैंने तो ठीक है. She likes simplicity very much and very cultural traditional touches. She is into that. और दोस्ती भी है, no doubt, बहुत ज़्यादा. और स्पेशली जब मम्मी हमें घर से बाहर जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए, तो देन यू आर वेरी मच फ्रेंड. अच्छा, वेरी क्विकली नेम योर बेस्ट फ्रेंड. योर बेस्ट फ्रेंड. मेरी, मैं एक नहीं तीन चार लूंगी. आयशा है, मैना है और आसमा. ऑलराइट, योर बेस्ट फ्रेंड्स. खुद मैं अपने दोस्त को. ओह गुड. खुद ही अपनी दोस्त. वेरी डीप. मैं अपनी दोस्त खुद ही हूं. खुद ही है. खुद ही. योर बेस्ट फ्रेंड. ओके, यू. बहुत सारे बट इफ आई हैव टू नेम वन, देन साद. Then Saad. Okay, you, ma'am. My sisters are my best friend. Your sisters are your best friend. Okay. Very good. Okay. Very, very cool, ji. Very cool. So, ये खुद की क्या वजह है भाई? Hello? मतलब कोई दुनिया के अंदर नहीं मिला जो तुम्हारा best friend होगा? वो इसलिए कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मतलब मेरी sister है, वो married है अपने घर में, तो मैं उससे कोई बात, अभी मैं थोड़ी सी बात करती हूँ तो वो मुझे एकदम से प्रेशर डाल देती है. ये तुमने क्या किया? तो मैं बिल्कुल ऐसे उसका मुंह देख रही होती हूँ कि अब मैं चुप ही कर जाऊं. और अम्मी के साथ मेरी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप है वैसे उनके साथ, लेकिन फिर वही बात आ गई कि आप सारी बातें उनसे नहीं डिस्कस कर सकते. सही बात. और एक रिस्पेक्ट भी आपकी. अच्छा, आपकी मॉम स्ट्रिक्ट है इनकी तरह से? मेरी अम्मी बहुत सख्त है, बहुत ज्यादा. मेरा ख्याल है उनको इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर बहुत ज्यादा सख्त है. मैं अभी भी अगर मुझे उनका फोन आ जाए ना, तो मैं पहले डर रही होती हूँ, अल्लाह खैर करे. मतलब इतनी मेरी अम्मी सख्त तबीयत. ऐसा है वाकई? नहीं नहीं, हमारा तो ये कि मतलब अम्मी इज मोर ऑफ अ टीचर, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, तो अम्मी ने हमें बाप बन के भी पाला है. I was only 1 year old when my father passed. मेरी अम्मी जो है ना, इसीलिए बड़ी बॉसी हैं थोड़ी सी. आपकी अम्मी बॉसी? मेरी अम्मी मतलब एक होता है ना कि इजहार करते बच्चे को, अगर मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें हग करती हूँ ना, तो वो कभी ये नहीं करती कि आगे से, मतलब वो प्रैक्टिकल, वो अमल करके दिखाएंगी कि मुझे अपने बच्चों से प्यार है. कभी ऐसे नहीं मतलब करवाते ना कि मेरी जान हो तो मुझे बड़ी पसंद हो, देखो मेरे बच्चे ने क्या. कभी तारीफ नहीं की मेरी. हमारी भी यही. तरस गई हूँ मैं कि अम्मी कभी तो बोले. वो फिर भी कोई ना कोई ऐसी
दरमियान में कोई बात कर ही देती है, ये ठीक नहीं था। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सबकी अम्मियाँ ऐसी होती है। कोई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें खुशी होती है। मेरी मदर हो, आपकी मदर हो, मॉम जरूर कुछ लाइक दैट। अच्छा मदर की खूबसूरती भी यही है। मेरी मॉम इज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग रिलीजन, बट अदर देन दैट लाइक शी इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट। शी इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट, शी इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट। रिगार्डिंग रिलीजन हम लोग जीत हो चुके होते हैं, इसलिए लगता है फील नहीं होता। हां फील नहीं होता आपकी। मेरी मदर भी स्ट्रिक्ट है, बट मैं अब अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हूं। अच्छा ओके, बिकॉज़ जाहिर है अब मैं खुद मदर हूं। अच्छा जब आप आपके बच्चे होंगे तो आप बहुत फ्रेंडली होंगी। मैंने बहुत सीखा है इस चीज से, और मैंने ये सोचा है कि जिस चीज की कमी मुझे रह गई है, मैं वो सब कुछ अपने बच्चों के साथ करूंगी। उनसे हर चीज, उनको इतनी स्पेस, इतनी फ्रीडम दूंगी कि वो सबसे पहले मुझसे डिस्कस करें, कि अपनी माँ से डिस्कस करें कि हमारे साथ क्या हुआ है। मेरी 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 नानी बहुत सारी ऐसी बातें करती थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, जब बच्चा गलत करेगा ना, जब बच्चा गलत करेगा आप उसके सर पे खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा वो बात क्या कर रहा है। आपने जिस तरह से बहाने बनाने की कोशिश की होगी अपनी माँ के साथ, और आपकी माँ को पता होगा कि आप क्या कर रही है, इसी तरह से आपके बच्चों। यू नो दिस इज ऑनेस्टली, हम लोग कहते बहुत है, हम डाउन राइट व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, हम वी आर एग्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ आवर पेरेंट्स। बिल्कुल हम ऐसा ही करते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत तो जरूर आप देंगी, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन एज फार एज दिस इज कंसर्न कि आपका बच्चा पता नहीं क्या कर लेगा, बाहर जाके आएगा और आप उसके बाद इसको एम्ब्रेस करेंगे, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन मैं उसको जिस तरह से मतलब मेरी अम्मी जिस तरह से मतलब करती है कि तुमने ये क्यों किया, मैं इस तरह नहीं करूंगी। मैं पहले उसे प्यार से सुनूंगी, मैं थोड़ा सा उसके साथ एक थोड़ी सी ये कहते हैं ना कि एक तरीके से। आपके अंदर ये पूर्ण तशद्दुद औरत क्यों रहती है? पूर्ण तशद्दुद, आई स्वेयर, ऐसे जैसे खूनी बन, मैं उसे बहुत प्यार से सुनूंगी, फिर उसके बाद उसे क्या पूछूंगी कि बात क्या है तुम्हारा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। नहीं मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि जो चीजें खुद नहीं मुझे मिल सकी वो मैं जरूर अपने बच्चों को। अच्छा अब एक काम है कि मेरे पास टाइम चूंकि कम है, लेकिन मैं ये जरूर ऐड करूँ कि माएं हम सबकी नाराज ना हो, कि ये खूबसूरती माओं किसी में बिल्कुल हर वक्त हो के, जब अम्मी कभी इंग्लैंड जाए या कहीं बाहर जाए तो हम लोग कहते हैं डांट नहीं खाई, मजा भी नहीं आ रहा घर में, फिर हम फौरन अम्मी को फोन करते कि मजा नहीं आ रहा, फोन पर ही डांट, और वो पहला जुमला ही हां ध्यान आ गया मुझे कॉल करने का, जाहिर है आ ही गया होगा। अच्छा आई वांट टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, वांट टू थैंक यू अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, आई वांट टू थैंक यू जारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू यू, और बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे अब आप चूज कीजिए जी, याद किया दिल ने कहा हो तुम या होप, कौन सा? होप बेहतर है क्योंकि हमारे वतन का गाना है, और दुआ है इसमें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, और बच्चे बैठे हैं इनको देख देख के उम्मीदें भी आती हैं, और इनको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरी सुबह के उठने की सारी थकावट इनकी वजह से होता है। जैसे हो क्यूट, इतने प्यारे बच्चे, और इनको भी हमें यही मैसेज देना कि पूरी उम्मीद रहे और इंशाल्लाह दुनिया भी चलेगी, हमारा वतन भी हमेशा सलामत। एक छोटा सा काम रह गया है आज, कल मैं करूंगा, कल मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप इसे जरूर पढ़ें, लेकिन राइट नाउ मेरी तरफ से खुदा हाफिज, आपसे कल मुलाकात होगी ठीक 9 बजे। अब हम इस गाने पे, इस दुआ पे एंड कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड होप। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, टुमारो टिल देन खुदा हाफिज आपके लिए।
चमन को हार चुन के भी सवार मेरी खुशियां।